हेलो फ्रेंड्स, आगे हम लोग और एक नई वीडियो लेकर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, देखिए आरआरबी पैरामेडिकल स्टाफ डाइटिशियन। सो दोस्तों देखिए, जो लोग डाइटिशियन बनना चाहते हैं फीमेल और मेल कैंडिडेट, उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। सो दोस्तों, जो लोग मेरा चैनल में नया विजिट कर रहा है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए और पूरा वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। फिलहाल आप लोग देखिए, जितने भी कैंडिडेट मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन लोग जो शेयर करिए दोस्तों, जो लोग कैंडिडेट डाइटिशियन बनना चाहते हैं, न्यूट्रिशन और फूड का ऊपर स्टडी करके रखा है, उन लोग के लिए रेलो में जो आने वाला एक वैकेंसी 2022 और 23 में एक वैकेंसी निकल आएगा, उसके बारे में आप लोग को पूरा डिटेल्स में जानकारी देगा दोस्तों। आप लोग फिलहाल पूरा वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए डिप्लोमा कोर्स और सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस का मंथली जो इनकम होता है उन लोग के लिए बात करेगा दोस्तों। फर्स्ट देखिए हम बात करेगा, देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन। एडुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों देखिए क्या चाहिए, बीएससी साइंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डाइटिशियंस 1 ईयर कोर्स। सो दोस्तों देखिए, बीएससी साइंस करके रखा है और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डाइटिशियन 1 ईयर का कोर्स जो चाहिए इस क्वालिफिकेशन के लिए, फ्रॉम रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशन प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल। इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन हॉस्पिटल से 3 मंथ का कोर्स करके रखा है, उन लोग के लिए ये पोस्ट अप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात कर देखिए, बीएससी होम साइंस प्लस एमएससी होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूशंस। सो दोस्तों देखिए, जो लोग बीएससी होम साइंस एंड प्लस एमएससी होम साइंस फूड न्यूट्रिशन का ऊपर स्टडी करके रखा है, उन लोग का ये क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबल है पोस्ट के लिए। सो दोस्तों देखिए, कुछ भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, हम ज़रूर आप लोग को रिप्लाई करेगा। यहाँ पे देखिए, बीएससी साइंस करेगा तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करके कंप्लीट करके रखे तो डाइटिशियन का ऊपर 1 ईयर का कोर्स करके रखा तो फिर फिलहाल आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। सो उसके बाद दोस्तों इंटर्नशिप करेगा तो 3 मंथ का दोस्तों एक्सपीरियंस लेके हॉस्पिटल से प्राइवेट या गवर्नमेंट का अंडर से उसका पोस्ट मिल जाएगा तो उन लोग आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक मौका बन सकता है दोस्तों इस पोस्ट के लिए। बीएससी और होम साइंस और एमएससी होम साइंस करके जो न्यूट्रिशन फूड का ऊपर जो स्टडी करके रखे उन लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है। सो दोस्तों देखिए, बहुत सारा कैंडिडेट है डाइटिशियन, देखते हैं हम लोग हॉस्पिटल में जो अच्छा एक मतलब बोला जाता है दोस्तों, अच्छा पोस्ट है, बैठ के कुछ काम नहीं, कुछ तकलीफ नहीं, सिर्फ लिखना पड़ता है, फिर उन लोग के बाद दोस्तों आप लोग तैयारी कर सकते हैं उसी के हिसाब से। सो जितना भी कैंडिडेट है ये पोस्ट को वॉच करें, पूरा देखिए लास्ट तक दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए, सिलेबस ऑफ डाइटिशियन। सिलेबस ऑफ डाइटिशियन में क्या होगा देखिए, न्यूट्रिशन ऑन ह्यूमन बायोलॉजी एंड बॉडी फंक्शन आएगा सिलेबस में, न्यूट्रिशन रूल और सिग्निफिकेंस और अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन और बेसिक डाइट फॉर नॉर्मल कंडीशंस और एडवांस न्यूट्रिशंस और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिकल और इंट्रोडक्शन टू स्पेशल कोऑर्डिनेट एंड डाइट थेरापी। सो इस टॉपिक का ऊपर आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग जो सिलेबस कंप्लीट करेगा तो आप लोग सहायता होगा इसी पोस्ट के लिए डाइटिशियन के लिए। दोस्तों देखिए, जो इंट्रोडक्शन के हिसाब से दोस्तों, आप लोग बायोलॉजिकल और बॉडी फंक्शन का ऊपर जितना भी कोर्स करता है और न्यूट्रिशन रूल और सिग्निफिक और अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन बेसिक नॉर्मल कंडीशन के लिए आप लोग पढ़ाई कर सकता है, एडवांस न्यूट्रिशन के लिए भी आप लोग पढ़ाई कर सकता है, इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिकल्स के ऊपर आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं इस पोस्ट के टॉपिक के हिसाब से डाइटिशियन के लिए। और भी सारा दोस्तों टॉपिक है, सिलेबस है एक बार देखिए। और नेक्स्ट है दोस्तों देखिए, रिकमेंडेड अप्रोप्रियंस टू डाइट डिचेस एंड न्यूट्रिशंस, न्यूट्रिशन का ऊपर आप लोग पढ़ना हुआ, न्यूट्रिशनल और बायोकेमिस्ट्री, रिचार्ज मेथड, स्टैटिस्टिक, मेडिकल न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिक न्यूट्रिशंस, फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी। सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जितना भी टॉपिक देखे रखा है इसका ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा करके रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद थोड़ा आप लोग को नॉलेजेबल भी होगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी होगा। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद दोस्तों बहुत एक यूजफुल हो जाएगा आप लोग के लिए, डाइटिशियन जो लोग बनना चाहते हैं उन लोग के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। न्यूट्रिशन और बायोलॉजिकल केमिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेडिकल और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है, फूड एंड माइक्रोबायोलॉजी जैसे दोस्तों फूड का ऊपर जो क्या रिसर्च करना है,
पूरा एक जो कि रेलो में बहुत एक अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों डाइटिशियन का। हम देखा है दोस्तों बहुत सारा हॉस्पिटल में डाइटिशियन लोग का बहुत अच्छा होता है, अच्छा पोस्ट रहता है दोस्तों, सैलरी भी अच्छा रहता है। ग्रेड का अनुसार आप लोग पोस्ट के हिसाब से तैयारी करके कोर्स कंप्लीट करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। सो दोस्तों ये पोस्ट करने के लिए ये सिलेबस तो कंप्लीट करना ज़रूरी है, उसके बाद आप लोग इस पोस्ट में एलिजिबिलिटी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे सिलेबस ऑफ डाइटिशियन, फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म डिस्चार्ज और पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ का ऊपर पढ़ना है, पीडियाट्रिक एंड जेरियाट्रिक न्यूट्रिशन भी पढ़ना है और फूड एलर्जी ऑन डाइट मैनेजमेंट में पढ़ना है दोस्तों। दोस्तों जिन लोग के एलर्जी है फूड का ऊपर भी पढ़ना है, पीडियाट्रिक बच्चों को क्या खाना खिलाना है वो सब भी ऊपर डाइटिशियन करना है, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ न्यूट्रिशन के ऊपर भी एक अच्छा एक डाइटिशियन का ऊपर पढ़ना है। ये टॉपिक का ऊपर आप लोग फिर अच्छा एक मौका बन सकता है इस पोस्ट के लिए। सो दोस्तों देखिए जितना भी हम टॉपिक का बात किया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोग कंप्लीट करेगा था दोस्तों, इस पोस्ट के आप लोग रोकने वाला कोई नहीं है, हम गारंटी दी गए हम आपको बोल रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेगा देखिए जितना भी कैंडिडेट है ये पोस्ट को वॉच कर रहे हैं, मेरा चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, पूरा वीडियो को वॉच करिए दोस्तों और लास्ट तक देखते रहिए। नेक्स्ट हम बात करेगा सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए डाइटिशियन लोग का कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट तो होगा ही दोस्तों, मैक्सिमम रेलवे में सेंट्रल एग्जाम में सीबीटी होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा और पर्सनल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए पर्सनल नॉलेज टेस्ट में आप लोग को नॉलेजल है क्या डाइटिशियन के ऊपर, उसके ऊपर आप लोग को एक इंटरव्यू लेगा छोटा सा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो मस्ट करता है, कंप्यूटर टेस्ट होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, उसके बाद पर्सनल नॉलेज टेस्ट करता है, उसके बाद आप लोग जो एलिजिबिलिटी है उसके मतलब मेरिट लिस्ट के हिसाब से लिस्ट आउट होता है। सो जितना भी कैंडिडेट है ये वीडियो वॉच कर रहा है बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग पूरा देखिए और जितने भी कैंडिडेट है उन लोग को भी शेयर करिए जो लोग आना चाहते हैं डाइटिशियन में। नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए पैरामेडिकल स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस 22-23 में देखिए डाइटिशियन वालों का। फर्स्ट हम प्रोफेशनल एबिलिटी का जो क्वेश्चन होगा 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, मार्क्स होगा 70। जनरल अलाउंस में दोस्तों होगा टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल मार्क्स होगा 10 मार्क्स का। जनरल एरिथमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, मार्क्स होगा 10। जनरल साइंस में कितना होगा क्वेश्चन, 10 का क्वेश्चन आएगा और मार्क्स रहेगा 10। उसमें दोस्तों टोटल मिला के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आप लोग को डाइटिशियन में। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर टेस्ट में दोस्तों जो नेगेटिव मार्क्स रहेगा 1:3 नेगेटिव मार्क्स रहेगा और 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हम बात करें देखिए देखो एज जो रहता है दोस्तों डाइटिशियन के लिए 18 से 33 साल तक एज रहता है और गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन होता है उसके हिसाब से भी आप लोग एज के माध्यम में अप्लाई कर सकता है। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे देखिए डाइटिशियन का सैलरी बहुत अच्छा है दोस्तों नर्सिंग के बाद, और डाइटिशियन का सैलरी भी अच्छा है। स्पेशल देखिए 44,900 मिलता है, बेसिक लेवल भी मिलता है 7। अच्छा एक पोस्ट के हिसाब से दोस्तों सैलरी भी अच्छा मिलता है। देखिए प्रेजेंट जो सैलरी मिलता है 6,500 से 10,500 मिलता है, PB2 मिलता है और बैंड स्केल में 9,300 से लेकर 34,800 मिलता है, टोटल ग्रेड पे जो मिलता है 4,600 मिलता है। बहुत एक अच्छा सैलरी मिलता है दोस्तों डाइटिशियन बनना जो लोग चाहते हैं उन लोगों के लिए ये पोस्ट बहुत एक अच्छा मौका है, फीमेल और मेल कैंडिडेट ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और भी ऐसा तरह वीडियो लेकर आएगा आपको लोग का जानकारी लेगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच कर लें, मिलते हैं दूसरा वीडियो में।